नमस्कार दोस्तों, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि पानी को किस तरीके से पीना चाहिए, पानी को आराम से पियो, पानी खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद कैसे पीना चाहिए, बीच में कैसे पीना चाहिए। मतलब पानी पीने के इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट तरीके हैं जो हम काफी हद तक हमने इग्नोर किए बचपन में, और कई लोग तो आज भी इग्नोर कर रहे हैं। उसमें हम भी हैं जो इग्नोर कर जाते हैं, क्योंकि हालात कुछ ऐसे होते हैं कि आप हर बार वो चीज फॉलो नहीं कर पाते। बचपन में आपने भी देखा होगा कि जब आप बाहर से आते थे खेल के, एकदम से फ्रिज से बोतल निकाली पानी की और पी गए, और पीते भी कैसे थे, वो खड़े खड़े पी गए, मतलब कोई बैठने का इंतजार नहीं करना, कोई ग्लास में डाल के पीना नहीं। तो काफी हद तक हम यही करते थे कि जैसे जैसे पानी मिला हम पीते चले गए। मगर उस टाइम पे भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे दादा दादी और मम्मी पापा हमें बोला करते थे कि पानी को बैठ के पियो, पानी ठंडा मत पियो, आपको छाती जम सकती है, बुखार हो सकता है, खांसी हो सकती है। मतलब उन्हें ये मालूम था कि उस टाइम पे भी कि पानी को पीने के लिए आपको पहले थोड़ा न्यूट्रल होना चाहिए। बॉडी आपकी एकदम गर्म है और एकदम से फ्रिज का ठंडा पानी पी रहे हो आप, तो उससे क्या क्या आपको नुकसान हो सकते हैं। तो हमने काफी हद तक उसको इग्नोर किया, काफी हद तक उसको एक्सेप्ट किया और हम पीते थे। और जैसे स्कूल में गए वहां पानी पिया, भागते हुए पानी पी लिया, हाँफते हुए पानी पी लिया, तो वो बॉडी में नुकसान भी करता था, बट हमारी एक्टिविटी इतनी होती थी कि हम लोग उसको एक्सेप्ट कर पाते थे, मतलब हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाती थी। आज की डेट में हम जहाँ पे आप देखो, साइंटिस्ट भी और जितने भी डॉक्टर्स हैं बड़े बड़े, वो यही आपको राय देते हैं कि पानी पीने के लिए पहले आपको बैठना चाहिए, पानी आपको गुनगुना होना चाहिए। तो ये जो उस टाइम पे हमें सलाह दी जाती थी बचपन में, आज वो साइंटिफिकली प्रूव होके आई है कि पानी पीने के लिए कैसे कैसे आपको तरीके अपनाने हैं। आज की डेट में जैसे कोरोना का चल रहा है, उस टाइम पे सबसे बड़ी सलाह ये दी जाती है कि आप दिन में 3 या 4 बार गर्म पानी पियो, उसमें हल्दी डालो तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। मतलब गर्म पानी को आज भी उतनी अहमियत उस लेवल तक दी गई है कि ताकि वो आपकी बॉडी के जर्म्स हैं वो मार सके। बच्चों ने भी हमें कहा जाता था कि सुबह सुबह उठ के एक ग्लास कोसा पानी पियो, मतलब न्यू वार्म वाटर पियो, तो वो भी हम पीते थे कभी कभी, कभी कभी इग्नोर कर जाते थे क्योंकि गर्म पानी अच्छा नहीं लगता। तो ये जो चीजें हैं हम कब से सीखते आ रहे हैं और हमें सिखाया जा रहा है, डिपेंड करता है कि हम कितना उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और हमेशा से ये माना गया है कि बड़ों की जो सलाहें होती है ना, वो एक्सपीरियंस के बेस पे ही आपको कुछ इतना कुछ दे जाती है कि आप उसको सारी उम्र लगती है आपको समझने के लिए। और वही हमने देखा अपने जीवन में कि आज हमें ये समझ में आ रही है, जब हमें साइंटिस्ट लोग और डॉक्टर्स लोग इतने बड़ी बड़ी सलाहें दे रहे हैं कि पानी को बैठ के पियो, खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी नहीं पीना, आधा घंटा बाद पानी पियो, मतलब इस तरीके से आपको एक गैप मेंटेन करना है कि खाना अगर आप खाने के लिए जा रहे हो तो उस टाइम पे अगर आपने पानी पी लिया तो आपकी जो शरीर की पाचन शक्ति एकदम तैयार है आपके खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए और डाइजेस्ट करने के लिए, वो ठंडी हो जाती है, वो जो आग है आपके पेट की वो गर्म ठंडी हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है और खाना डाइजेस्ट नहीं होता। तो ये एक विचार है जो मैं चाहता हूँ कि हम आज की जनरेशन में अपने बच्चों को बताएं कि अगर वो भी कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं कि खड़े होकर पानी पी रहे हैं या फ्रिज का ठंडा पानी पी रहे हैं, तो इस चीज को फॉलो करें ताकि उनकी जिंदगी में उनको आगे वो कष्ट ना देखने पड़े जो काफी लोगों को आर्थराइटिस की बीमारी होती है, या मोटापा बढ़ जाता है, या खाना खाया एकदम से ठंडा पानी पी लिया तो घी जम गया, तो उस तरीके की बीमारियां हैं आपके शरीर में, वो ना हो। तो आपको मुझे उम्मीद है कि आप इसको फॉलो करेंगे, अपने बच्चों को भी बताएंगे, और मुझे सुनने के लिए थैंक यू।